वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. इन दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट वॉट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन आवर कंट्री और इन होल आवर अर्थ. एज यू ऑलरेडी नो दैट आवर कंट्री इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स. ओके, कहीं पे मींस बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी, कहीं पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे वाटर लेवल बहुत कम है, कहीं पे मीडियम है. सो दिस क्रिएट आवर इंडिया वेरी डाइवर्सिटी. ओके, इन मींस आवर इंडिया हैज़ वेरी डाइवर्स. यहाँ पे कुछ भी चीज़ें यू नो इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है. नाउडेज बिफोर इट वॉज बैलेंस्ड इन ईच वे. जहाँ पे गर्मी होनी चाहिए थी वहाँ पे गर्मी होती थी, जहाँ पे ठंडी होनी चाहिए वहाँ पे ठंडी होती थी. इक्वल मींस जैसा जैसा स्टेट. बट नाउडेज द सिचुएशन हैज़ बिकम वर्स. ओके, सो इन योर टेक्स्ट बुक इट इज़ रिटन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओके ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ पे, वो बहुत ही अनइवन है. So there are numbers of factor behind this distribution of water. So here it is written that some places have good amount of rain and you know water. On the other hand, there are deserts which have scanty rainfall. कहीं पे you know rain बहुत ही अच्छा खासा होता है, ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा होता है. ओके, कहीं पे rainfall बहुत अच्छा होता है, कहीं पे desert area है. So our India is very diverse. India is a vast country and rainfall is not the same everywhere. Some region have excessive rains, some other have very little rainfall. Excessive rain causes flood, whereas the absence of rain results in drought. So इसके वजह से जो हमारा जो you know इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा means distribution of water में uneven हो गया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब गुजरात इज़ ऑन इक्वेटर लाइन. ओके, हमारा जो गुजरात है वो इक्वेटर लाइन पे है. दैट मीन्स यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. ओके, दिस इज़ ट्रॉपिकल रीजन, सो दैट इज़ वाई गर्मी ज़्यादा है. एंड जो रेनी सीज़न जो है मीन्स मानसून सीज़न में रेन उतना नहीं होता है. ओके, बट दी अदर कंट्रीज मीन्स अदर स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल देर आर सम रीजन ओके जहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेनफॉल होता है. देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट केरला एंड तमिलनाडु, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस बारिश रहती है. एंड दैट इज़ व्हाई केरला एंड तमिलनाडु इज़ वेरी ग्रीनरी. ओके, इज़ वेरी ग्रीन. सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है काफ़ी अनइवन है इन आवर कंट्री. एंड दैट इज़ व्हाई आवर कंट्री इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स डाइवर्सिटी. ओके, नाउ एक्टिविटी 16.5. सो हियर देर इज वन मैप इज गिवन एंड दैट यू हैव टू स्टडी एंड विद दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे इंडिया में कितना डाइवर्सिटी है वाटर रेनफॉल में. ओके, जो रेनफॉल हो रहा है उसमें कितना डाइवर्सिटी है. फॉर एग्जाम्पल सी ऑन केरला साइड देर इज रेनफॉल अबाव 400 सेंटीमीटर. मीन्स वहाँ पे कितना ज़्यादा. अब देखो जो डार्क ब्लू है मीन्स जो नेवी ब्लू है ओके वो शो कर रहा है दैट देर इज़ लॉट्स ऑफ रेनफॉल अबाव 400 सेंटीमीटर. ओके, देन देर आर सम रीजन्स फॉर एग्जाम्पल विच इज़ इन पर्पल कलर जो ईस्ट साइड पे दिखाए जा रहे हैं हियर. ओके, तो हियर देर इज़ सम स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम मणिपुर. तो वहाँ पे कैसा क्या सिचुएशन है, वहाँ पे सिचुएशन है 200 to 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. देन देर आर महाराष्ट्र ओके, देन बिहार उड़ीसा. सो वहाँ पे जो सिचुएशन है इट इज़ अबाउट 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. सो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन आवर इंडिया देर इज़ सो मच डाइवर्सिटी इन रेनफॉल. ओके, और उसके ऊपर हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो डिपेंड करता है. ओके, सो इन आवर गुजरात लेट अस सी. देखो गुजरात में भी देर इज़ लाइट ब्लू इन कलर, दैट मीन्स इट शोज़ दैट 40 to 60 सेंटीमीटर जो है उतना रेनफॉल होता है. बट द बॉर्डर लाइन ऑफ गुजरात इज़ अबाउट 400
ओके, जो अबाव 400 है उतना ज़्यादा रेनफॉल होता है, जो बॉर्डर लाइन पे है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द अरेबियन सी. ओके, सो दिस शोज़ वेरी डाइवर्सिटी इन वाटर रेनफॉल. सो वाटर मैनेजमेंट, सो वॉट इज़ द वाटर मैनेजमेंट? अब देखो, देर आर सम स्टेट्स जहाँ पे रेनफॉल तो बहुत होता है लेकिन यू नो सप्लाई जो है पानी का वो बहुत ही कम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई. ओके, मुंबई इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल. वहाँ पे रेनफॉल आपने सुना होगा दैट मुंबई में बहुत ज़्यादा यू नो रेनफॉल होने लगा, फ्लड आ जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं. बट देर इज़ स्कैर्सिटी इन वाटर. ओके, बिकॉज ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो रहा है डे बाई डे. एंड वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिक्रीजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल? बिकॉज देर इज़ नो, ओके, नो सॉल्यूशन. वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उस रेनफॉल वाटर को यू नो स्टोर करने का. कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है. वन मोर रीज़न इज़ दैट बिकॉज देर आर पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन मुंबई एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल द रोड्स हैज़ बिकम सीमेंटेड. सॉइल वहाँ पे बहुत ही कम है. दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन लेवल जो है, वाटर जो एब्जॉर्ब होना चाहिए सॉइल में, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, तो वो डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल कंटिन्यूस हो रहा है लेकिन जो सॉइल एब्जॉर्प्शन है, ओके, मीन्स वाटर जो रेनफॉल होते हैं जो सॉइल में एब्जॉर्ब करते हैं वो कम हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्राउंड वाटर लेवल इज़ बिकम डिक्रीजिंग. ओके, सो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. सो इट इज़ रिटन दैट व्हेन द सिविक अथॉरिटी सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स, नॉट ऑल इट मे रीच द डेस्टिनेशन. यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप्स. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक अथॉरिटी टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रेशियस वाटर. सो ये भी एक टाइप का सिचुएशन है कि जो सिविक अथॉरिटी हैं जो बेसिकली वाटर को मैनेज करती हैं, तो वो भी मींस बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं डे बाय डे हमारे इंडिया में, यू नो करप्शन एंड ऑल दैट. सो उसके वजह से जो पाइप्स हैं जिनमें से पानी जाता है वो बहुत ही ज़्यादा, कई बार आपने सुना होगा, चोक हो जाता है, उसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और जिसके वजह से हमारा प्रेशियस वाटर जो है वो गंदा हो जाता है और उसकी वजह से ख़राब हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिसमैनेजमेंट जिसकी वजह से हमारा प्रेशियस वाटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डैमेज हो रहा है. ओके, सो मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज मे टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो. खाली ये आप सिविक अथॉरिटी पे और गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते हो. एज एन इंडिविजुअल यू आर ऑल्सो वेस्टिंग वाटर एट द टाइम ऑफ बाथिंग, ब्रशिंग, देन यू नो शेविंग, देन वॉशिंग एनी टाइप ऑफ यूटेंसिल्स और मशीन्स. फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉशिंग कार एंड यू आर यूजिंग पाइप टू वॉश दैट कार, बट इंस्टेड ऑफ वॉशिंग ओके फ्रॉम पाइप यू कैन यूज बकेट एंड मग टू वॉश दैट कार. बिकॉज इफ यू आर यूजिंग पाइप देन ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ वाटर. ओके, बट इफ यू आर यूजिंग बकेट, ओके, फुल बकेट ऑफ वाटर एंड मग, दैट मीन्स यू आर यू नो टेकिंग केयर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग सो मच वाटर. अगर आप बकेट यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ पाइप, दैट मीन्स यू आर वेरी अवेयर. आपको पता है दैट येस, मुझे एक या दो बकेट से ही पूरा कार धो देना है. ओके, सो आप उतना ज़्यादा पानी वेस्ट करोगे ही नहीं. बट इफ़ यू आर यूजिंग पाइप दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ वाटर. ओके, सो एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो यू आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ वाटर. सो अब जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, मींस जो भी चीज़ें मींस वाटर को जिन भी चीज़ों में आप यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ बी अवेयर. ओके, एंड टेक केयर अबाउट दैट यू आर नॉट वेस्टिंग सो मच वाटर. ओके, सो हियर इट इज़ रिटन दैट वी हैव सीन द मोस्ट ऑफ वाटर दैट वी गेट रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे. रेनफॉल तो बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रेनफॉल नहीं हो रहा है. जिन जगहों पर रेनफॉल होता है बहुत अच्छे से होता है, बट इट इज़ जस्ट वेस्टिंग. ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब सॉइल पे पानी पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल देन सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इट क्रिएट्स ग्राउंड वाटर. ओके, बट इफ इट इज़ फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड रोड दैट मीन्स दैट वाटर इज़ वेस्टेड बिकॉज वो वाटर जो है वो ऑब्वियसली गटर में चला जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, विच अगेन यू नो वेस्ट क्रिएट होता है. तो हम उस रेनफॉल वाटर को किसी अच्छे चीज़ में यूज़ कर ही नहीं रहे हैं.
सो देर आर सम यू नो मेथड्स थ्रू विच यू कैन सेव रेनफॉल वाटर. फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास सिक्स. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है? देर आर टू मेथड्स. फर्स्ट इज रूफ टॉप. रूफ टॉप पे आप मीन्स रेन वाटर जो भी इकट्ठा हो रहा है, ओके, जो भी स्टोर हो रहा है, वो एक पाइप से दूसरे पाइप में आप डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में उसको डाल सकते हो. इस तरह से आप रूफ टॉप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो. दी अदर थिंग इज इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस, ओके, तो आप सॉइल में डिक कर लो एंड देन उसमें जो रेनफॉल वाटर है वो यू नो स्टोर हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज़ फॉर मेनी पर्पस. द सेकेंड मेथड इज बाउरीज, BAWRIS. आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ मूवी, दैट इज़ PK मूवी. आपने PK मूवी में वो अग्रसेन की बावड़ी टाइप सुना होगा जिसमें वो आमिर खान रहता है, ओके, देखा होगा. इट इज़ स्टेप बाय स्टेप वाला, यू नो देर इज़ सम मीन्स वेल जैसा था आपको, स्टेप्स उसमें बहुत सारे थे, तो उसको बोलते हैं बावड़ीज, विच वॉर यूज इन एंशियंट टाइम. तो वहाँ पे जब रेनफॉल होता था तो पानी उसमें स्टोर होता हो जाता था और फिर लोग उसको धीरे धीरे यूज़ करते थे. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अडालज. अगर आपने अडालज नाम सुना होगा विच इज़ प्रेजेंट इन अहमदाबाद, तो अडालज की वाव इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ बावरी, ओके. उसमें स्टेप्स बहुत सारे दिए हुए हैं और उसमें वाटर पहले होता था, रेनफॉल का जो पानी था वो उसमें स्टोर किया जाता था और लोग जो थे उसको यूज़ करते थे, ओके. बट बावरीज आर ऑल्सो गेटिंग यू नो स्टॉप एंड उसको आपको यूज़ नहीं किया जाता है, बस खाली लोग एक म्यूजियम के टाइप देख के आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, बट एक्चुअल में उसका जो यूज़ होता था वो हमारे एनसिस्टर्स का करते थे, ओके. और इस तरह से रेनफॉल का यूज़ हो सकता है. द अदर फॉर्म इज़ ड्रिप इरीगेशन. द अदर मेथड विच यू कैन सेव और स्टोर वाटर इज़ द ड्रिप इरीगेशन. हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ इन फिगर 16.9, दिस इज़ ड्रिप इरीगेशन इन अ फील्ड. नाउ यहाँ पे देर आर सम प्लांट्स, ओके, इन फील्ड देर इज़ सम प्लांट्स. और उसमें कैसा देखो, छोटे छोटे पतले पतले यू नो ट्यूब्स लगाए गए हैं जिसको पाइप बोलते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट उस प्लांट के रूट में पानी जाएगा. अब जो हम जो ऊपर से पानी डालते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उससे क्या है, पानी वेस्ट हो रहा है, ओके. सो आप क्या करोगे, उस पानी को डायरेक्ट उसके रूट तक, मीन्स वो जो पाइप है वो उसके रूट से लगा हुआ है, ओके, वहाँ पे स्टिक है, एंड उस पानी आप उस पानी को डायरेक्ट उस पाइप में यू नो छोड़ोगे और फिर वो पानी जो है, वो वाटर जो है, वो डायरेक्टली उस प्लांट के रूट में जाएगा. दैट मीन्स यू आर नॉट वेस्टिंग वाटर. सो दिस थ्री मेथड इज़ वेरी फेमस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावरीज एंड ड्रिप इरीगेशन टू सेव और टू स्टोर रेनफॉल वाटर, ओके. फर्दर वॉट रोल यू कैन प्ले, ओके, आप एज एन इंडिविजुअल आप कैसे रोल प्ले कर सकते हो टू सेव वाटर. सो हियर देखो, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वाइज हैबिट्स यू कैन टेक. फॉर हियर देर आर टू एग्जांपल्स, टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. फिर जैसे मैंने आपको बताया था दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइप फॉर कार वॉशिंग यू कैन यूज़ बकेट, ओके. देखो, आप जब भी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हो ना, डायरेक्टली पानी को यूज़ मत करो, आप उसको किसी चीज़ में स्टोर करो, उसको किसी चीज़ में रखो एंड देन उसको यूज़ करो, ओके. जैसे फॉर इफ़ यू वांट टू ब्रश योर टीथ, तो यू हैव आपके वॉशरूम में ऑब्वियसली मग होता है, तो उस मग में पानी भर लो, ओके, एंड देन यू ब्रश, तो पानी आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे आपने पानी को सेव किया, ओके. इफ़ यू वांट टू टेक अ बाथ, देन डोंट यूज़ दैट यू नो शावर, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज़ बकेट एंड मग. तो आपको यू नो पता रहेगा दैट येस ओनली वन बकेट इज़ इनफ फॉर मी और टू बकेट इज़ इनफ फॉर मी. बट इफ़ यू आर यूजिंग शावर देन उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है पानी का, ओके. सो इंडिविजुअली यू कैन यू नो सेव लाइक दैट वाटर. नाउ इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स. सो यहाँ पर हम देखेंगे दैट वाई वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. So you must have seen potted plants wilting and ultimately drying up. If they did not get water even for a few days, you have already learned in chapter 1 that
प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड. जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स. सो यहाँ पे प्लांट्स को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके, जितना पानी उसको चाहिए वो उतना कंज्यूम कर लेता है. प्लांट्स के सारे ही जितने भी पार्ट्स हैं, स्टेम, बड, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम, एवरीथिंग, सब पानी जब अपना कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद दे गेट स्टार्ट ट्रांसपिरेशन. ओके, बट प्लांट्स के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है, जस्ट लाइक वी ह्यूमन बींग्स, दिस नेचर. ओके, एंड द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लानट शैल बी लॉस्ट. और अगर प्लांट्स को इनफ पानी नहीं मिलेगा, इफ़ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, दे देन जो हमारा जो ग्लोब आपको थोड़ा बहुत ग्रीनरी दिखाई देता है, ब्लू यू नो ज़्यादा दिखाई देता है, बट उसके अलावा ग्रीन दिखाई देता है, तो जो ग्रीनरी है दिस विल लॉस्ट. ओके, दैट इज़ वाई अगर प्लांट नहीं होगा, सपोज देर इज, इफ देर इज़ नो वाटर, देर इज़ नो प्लांट, देर इज़ नो फूड, नो ऑक्सीजन, नथिंग. सो दैट इज़ वाई फॉर आवर लाइफ वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ देर इज वाटर देर विल बी प्लांट, देर विल बी फूड, देर विल बी ऑक्सीजन. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, रेनफॉल, वाई यू हैव टू सेव वाटर, वाई यू हैव टू स्टोर रेनफॉल वाटर. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस मच अबाउट दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. Thank you.